सर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो आप लोग घूमने कहीं जाते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छा फोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं, साथ में उसे अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं, जीमेल में सेव कर लेते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं, ताकि वो फोटो डिलीट ना हो सके। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस फोटो को आप सेल करके अच्छे खासा अर्न मनी को अर्न कर सकते हैं। आपको याद होगा थ्री इडियट मूवी जो 2010 में शायद आया था, उसमें आर माधवन जो होते हैं फोटोग्राफी के पीछे भागते हैं। उन्होंने अपनी आधी पढ़ाई को, पूरा मूवी आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, राइट, उन्होंने छोड़ के लास्ट में फोटोग्राफी वो करते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है, लेकिन इसके बारे में सभी लोगों को पता नहीं है कि किया कैसे जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप फोटो को सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक यूनिक वेबसाइट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और अकाउंट बना के दिखाऊंगा, फोटो को अपलोड करके दिखाऊंगा कि फोटो को अपलोड कैसे किया जाता है, और ये अप्रूव हो जाता है तो आपको कैसे पैसा मिलेगा, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और क्रिएट करते हैं अकाउंट। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलते हैं और अकाउंट बनाना आपको सिखाते हैं। सो ये रहा, और हम आते हैं गूगल पे। अब गूगल पे आने के बाद आपको एक वेबसाइट के सर्च करना है, उस वेबसाइट का नाम है adobestock.com, राइट। adobestock.com को आपको क्या करना है, सर्च करना है, ये राइट, मैं इसको सर्च कर दिया, ये ओपन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आना है, adobestock जो लिखा है इसको क्लिक करना है, राइट, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आप, इंटरफेस से खुलेगा, और इंटरफेस खोलने के बाद हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमको वहाँ पे अपना फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा, और 5 दिन का टाइम लगता है इसको, फ़ोटो को रिव्यू में जाता है ये पता करने में, वहाँ पे जाता है और फिर ये पता करने में 5 दिन, 4-5 दिन का टाइम लगता है कि फ़ोटो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। कुछ कमियाँ होगा तो रिजेक्टेड हो जाएगा। सो इस तरह की इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं खुला, राइट। यहाँ पे खुलने के बाद हमको क्या करना है, साइन इन पे जाना है, और यहाँ पे आपको साइन इन, मतलब पहले से अकाउंट आप बनाए हैं तो साइन इन होगा, नहीं तो साइन आउट। साइन इन तब होता है जब आप अकाउंट बना चुके हों। इस पे जाने के बाद हमको क्रिएट करना होगा अकाउंट, राइट। सो ये आया, और यहाँ पे हमको पहले से किया हुआ नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे, राइट। क्रिएट अकाउंट पे हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ईमेल डालना है। एक ही चीज़ मैं करके आपको बता दूँ। सो एक सेकेंड, यहाँ पे डालना है एक ईमेल, चलिए मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, PK12-13-14, राइट, @gmail.com। आप यहाँ पे फर्स्ट नाम अपना लिखिए, जैसे मैं अपना अशोक कुमार लिख लेता हूँ, राइट, यस, लास्ट नेम कुमार हो गया, राइट। यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे Ashok1234, राइट। ऐसे करने के बाद आपको पूरा यहाँ पे आपका क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे जनवरी डेट कुछ भी डाल दो, दो यहाँ पे ईयर डाल दो 1994, राइट, इतना कुछ इंडियन आपको। अब यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक के आएगा, जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, तो आपको आना है किस पे, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा, एक सेकेंड, इस तरह का। इसमें साफ साफ एक चीज़ लिखा हो गया है कि JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट ही ओनली इसमें सपोर्ट होगा। मिनिमम इमेज रिवोल्यूशन इज 4 MB, 4 MB से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इमेज रिवोल्यूशन इज 100 MB, 100 MP, राइट, MB नहीं MP होता है, राइट। और मैक्सिमम फाइल साइज 45 MB, राइट। तो ये एक कैटेगरी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही सबमिशन करना होगा, नहीं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको आपको ब्राउज पे आना है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको फाइल में ले जाएगा। आप यहाँ पे फाइल पे आइए और देखिए कौन सा फ़ोटो जो है इस पर अपलोड हो सकता है।
जो भी आपके पास फोटो होगा, जैसे मेरे पास एक फोटो, चलिए मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं, जो एक फोटो इसको मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे डन कर देता हूँ। सो इस तरह से फोटो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अगर कुछ भी एरर रहेगा तो वो फोटो जो रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अडोब स्टॉक पे आप अकाउंट बना के फोटो को सेल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जो मैंने पिछला फोटो अपलोड इस पे किया था वो रिजेक्ट हो गया है, राइट। वो क्यों रिजेक्ट हुआ था ये वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, और उसमें आपको डिटेल्स किसके बारे में बताऊंगा कि मेरा फोटो डिले वहाँ से एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, नॉन एक्सेप्ट हुआ था, कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको ज़रूर देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप तक आपसे। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।